तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और पिछली बार के पॉडकास्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी वॉइस की वजह से, बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा आ रही थी, जिस वजह से कि ऑडियंस के पास वो वीडियो की क्वालिटी सही नहीं पहुंची, ऑडियो की क्वालिटी सही नहीं पहुंची, तो वो उतनी वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, क्योंकि लोग सुन ही नहीं पाए उसको। तो आज हमारे साथ फिर से आए हैं पंडित श्री आचार्य उमेश उमेश पांडे जी। तो हम आज बात करेंगे तंत्र साधना पर, मंत्र साधना पर, और भूत प्रेत की बाधाओं पे, और आत्मा या कह लीजिए नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम आज पंडित जी से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आप बीच में से वीडियो छोड़ के चले गए तो फायदा कुछ होगा नहीं, नुकसान ही होगा आपका। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब अगर आपका दिल करे तो कर लेना, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो शुरू करते हैं पंडित जी। सर्वप्रथम आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी, शुरू करते हैं इस बात से कि आपके पास में, जैसे कि मैं आज भी गया था, जी कई औरतें जिनका ऑरा कम होता है ठीक है वो प्रेत बाधाओं से ग्रसित होती हैं। जी। जरूरी नहीं है कि सबको मानसिक समस्याएं हाँ हो। जी, सब इसको साइलेंट कर दो, नहीं तो कट लगाने में दिक्कत आएगी। तो मैंने देखा कि एक जो कि सनातनी बहन थी, जी उसके यहाँ पे घर पे कोई उसके पति का जो मित्र है वो विधर्मी है, जी और उस विधर्मी ने उसको उल्टी सीधी चीजें पट्टी पढ़ा के जिन है, ये है, वो है, जी और उसको उसकी अंगूठी पे फूंक मार के, झाड़ा फूंक करके ऐसा कर दिया जी कि जिससे कि उस लेडीज की जो परेशानी उसने बताई होगी जी वो डबल हो गई। जी हाँ तो ये समस्या इतनी ज्यादा है कि हमारे जो संतानी भाई बंधु है वो जी ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि विधर्मी आपका कभी भला नहीं चाहेंगे। जी जी सबसे बड़ी बात तो ये है, जी ठीक है, और आप अपने ही देवी देवताओं पे विश्वास करें, मैं तो यही जी कहूंगा, सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है जी। जी और अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे हमारे पास पूरी तरह सक्षम पंडित, जी पुजारी, आचार्य, गुरु, तांत्रिक हर प्रकार के मौजूद है, किसी भी समस्या से आपको मुक्ति दिलाने के लिए धाम भी है, जैसे कि अपना ये बालाजी धाम हो गया। जी हर प्रकार के, अगर आपको कोई ज्यादा परेशानी आ रही है तो आप अपने निकटतम पुजारी, जो मंदिर, जो आपका निकट का जो मंदिर है पास का, उसमें जाके पुजारी से संपर्क करें, बिल्कुल वो आपको बिल्कुल बताएंगे। अगर उनके उनके बस में हुआ तो वो हाँ देखेंगे, उनको नहीं तो फिर आगे बताएंगे हाँ आपको रास्ता उसका उपाय, रास्ता बताएंगे। ठीक है, जी। तो अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को जय श्री राम बोलूँगा, क्योंकि देखिए आज जो अधिकतर लोग हैं वो भ्रमित हैं, जी लोग भ्रमित कर भी देते हैं। जैसे विधर्मी कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। अब देखिए सबसे पहले बात ये कहूँगा कि अगर कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, हम किसी भी धर्म का उपहास या उसका छोटा या बड़ा अनादर नहीं करते, लेकिन नहीं करते हाँ अनादर भी हम। नहीं करते, जी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धर्म सिर्फ एक है, वो सनातन। जी मजहब अनेक हैं, डालें बहुत हैं, पेड़ एक है, तना शाखा जो है, मेन जड़ मूसलाधार जड़ जो है वो सनातन ही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज वो जो प्रकरण आया आपका कि उस बहन को भटकाया गया, वो घर से कैसे दूर रखें इनको? जी, घर से दूर रखने का तो सबसे पहला उपाय है कि आप इनसे जो भी व्यवहार है तो घर के अंदर प्रवेश इनका वर्जित है, मतलब अगर यारी दोस्ती है यारी या दोस्ती प्रेम है तो है तो वो आप घर से बार इनसे बार रहे। बाहर मिलें। दूसरी बात फैक्ट्रियों में मिल सकते हैं, और अगर मान लो मिलना है तो आप इनके अगर घर में भी आप ये समझते हो कि उचित है बुलाना तो बाहर वाले कमरे तक ही सीमा रखें। जी यानी कि देखिए कितना भी मैं कहता एक सीमा हूँ होती है, सीमा मतलब होती है, उसको पार न करने दें। हाँ आग और रुई, रुई मीन्स कॉटन जिसे कॉटन कहते हैं, जी
यानी कि कपूर समझ लीजिए, और कपूर और आग का जो मेल है वो क्षणिक होता है, और क्षण भर में ही उसको आग लगने में देर नहीं लगनी, जी पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जो भ्रमित हो जाता है जीव, लोगों की बातें जिस जो मतलब जिस जानकार है वो तो जानकार है ही है, लेकिन जो जानकार नहीं है तो जो जानकार है वो एक ठीहे पे मिलेगा, मजबूत मिलेगा और हमेशा मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वो काफ़ी लंबे अरसे तक मिलता ही रहेगा। जैसे मान लो किसी भी फैक्ट्री को कोई बंदा लगाता है, तो फैक्ट्री में जब आप पहुंचोगे तो वो फैक्ट्री काफ़ी समय तक, क्योंकि फैक्ट्री छोटी मोटी नहीं होती, उसमें खर्च बड़ा होता लंबा हो रहा है, लंबा होता है। हाँ अच्छा हाँ, तो उसको शॉर्टकट में बस हाँ ठीक। तो उसको जो है जैसे कुछ भी कर्म करना है तो वो ऐसे बंदे के पास जाएं जिसको आप काफ़ी पहचानते हैं जी, सबसे बड़ी विश्वास लायक, विश्वास लायक है, और जिसको क्षेत्र भी लाइक करता हूँ। अच्छा, मर्यादा के अंदर मिलें। और जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, देखिए हमारे मन में हर प्लस माइनस दोनों ऊर्जाएं हैं। अगर हम प्लस ऊर्जा के विषय में कहें कि जो सात्विक ऊर्जा है तो सात्विक ऊर्जा भी हमारे साथ है और माइनस ऊर्जा भी है, तभी तो हमारा जीवन चल रहा है। नेगेटिव ऊर्जा जब ज़्यादा हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी का मन होने लगता है, सब आर्थिक परेशानियां। हाँ, आर्थिक जो धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, ये सारी समस्याएं प्रेतों के होने से, और कोई ना कोई प्रेत हमारे साथ होता है, क्यों, हमारा कोई ना कोई अंश खत्म हो रहा होता है, इसलिए हम उसको ये कहते हैं। इन समस्याओं को थोड़ा सा भी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समस्या हम खुद लाते हैं। मान लो जो बंदा हमारे पास आ गया तो उसको अपने घर की क्यों बताएं, घर की अपनी समस्याएं हम बताते हैं जब, तो वो निदान अपने हिसाब से करता है और उसी में वो अपना काम कर देता है, कि फिर आपको जब समस्या घटती नहीं है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा कि आज जो समस्या थी वो जैसे ही उसने उस पर प्रहार किया, क्योंकि मंत्र अधीन है सभी देवी देवता, तो इसलिए मंत्रों के अधीन से अगर देवी देवताएं हैं तो आत्माएं प्रेत भी हैं, इसलिए उस पर मंत्रों के माध्यम से प्रहार हो जाता है और हमारे सनातनी भाई भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन उनको भ्रमित होने के लिए मैं ये बताऊंगा कि सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप हनुमान जी की सेवा करिए, दूसरी बात कपूर और दो लौंग अब हमेशा अपने घर में जलाइए, जिससे नेगेटिव ऊर्जा आपसे दूर रहे। कपूर और लौंग, हाँ कपूर और दो लौंग। ये बजरंग बाण के बारे में कुछ, बजरंग बाण वो चीज है, राहु, राहु जो होता है, जैसे आप राहु को सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि देवी देवताओं में प्रचलित हैं, तो नवग्रहों में है वो, तो नवग्रहों में सबसे ज़्यादा जब राहु का प्रभाव होता है तो दिमाग अस्थायी हो जाता है, सिर घूमने लगता है, नींद ज़्यादा आती है, किसी भी कार्य को करने का मन नहीं चलता, शरीर में पीड़ा होती है, और राहु उसको भ्रमित करता है, किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगना, इधर उधर जाने को मन भटकाने लगता है। तो इसलिए परमात्मा की सेवा करें, और अपने नज़दीकी किसी मंदिर के पुजारी से जिस पे आपका विश्वास है जी, उस पे जा करके जिसको लोग जानते हैं क्षेत्रीय, उस पे विश्वास करें, जो ज्यादा पहले से अपने पास से भी थोड़ा सी किया जा सके, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ हो गया, हाँ हाँ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सब सात दिन करके देख ले जी, आपको बिल्कुल लाभ होगा, 100% लाभ होगा। हाँ, इनसे सुंदरकांड या बजरंग बाण जो है उसका पाठ करें आप, हाँ, और विधर्मियों से दूर रहे, दूर रहे। तो दूसरा प्रश्न ये है मेरा, देखिए जी के आज क्या हो रहा है जी, नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैलती है जी जी, और पॉजिटिव चीजें बहुत लेट होती है, लेट फैलती है जी। तो नेगेटिव क्या है कि जो मंत्र और तंत्र साधना है ये जो सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है जी, और भगवान शिव से स्टार्ट हुई है तंत्र मंत्र साधना जी, उसके बाद आदि शंकराचार्य आए जी जी, ठीक है जी। तो ये हुआ था भाई समस्त जो मनुष्य है उनकी भलाई के लिए जी जी, उनकी अच्छाई के लिए हाँ, इससे काम लिया जाए जी जी, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए मतलब इस ये तंत्र मंत्र का जो निर्माण हुआ था जी जी। लेकिन हमने क्या देखा है पिछले कुछ समय से 150 साल के अंदर ही लगा लो जी जी, कि इसका जो है ना पॉजिटिव पहलू छुपा दिया गया और नेगेटिव पहलू आगे रख दिया गया, और लोग अगर किसी को ये पता भी लग गया कि ये बंदा तांत्रिक है, हालांकि तांत्रिक होना कोई पाप थोड़ा ही है, ना, है? ना। वो तंत्र कर रहा है, मंत्र कर रहा है, वो हो सकता है वो अपने भले के लिए कर रहा हो या दूसरे के भले के लिए कर रहा हो, जरूर थोड़ा ही है वो बुरा ही करेगा, ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन तांत्रिक होते ही ये होता है, अखबार में भी आते हैं, जैसे हेडलाइन आती है तांत्रिक ने किया ये फलाना काम, तांत्रिक ने किया वो फलाना काम, अरे वो तांत्रिक है ही नहीं ना, वो तो लुटेरे हैं
वो तो गुरुजी इस तरीके से हुआ कि जैसे कि एक चाकू हो गया, हाँ हाँ उससे चाकू हो गया, अगर वो ग्रहणी के हाथ में आ गया हमारी, हाँ हाँ तो वो सब्जी काटेगी, जी जी ठीक है, और किसी खूनी के हाथ में आ गया, हाँ वो बंदे को मारेगा, जी बिल्कुल, और अगर सर्जन के हाथ में है जी, तो वो ऑपरेशन करेगा, जी जी तो इसी तरह ये तंत्र मंत्र भी है, जी जी अगर सही व्यक्ति के हाथ में ये जाएगा, ठीक है, तंत्र तंत्र या मंत्र का बिल्कुल, ज्ञान, हाँ बिल्कुल, तो वो दुनिया की भलाई भलाई करेगा, बुरा नहीं करेगा, हाँ ठीक है जी 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 लेकिन लोगों ने बदनाम इस कदर कर दिया है इस चीज को कि लोग तंत्र मंत्र और तांत्रिक के नाम से इस तरह भिदकते हैं, भागते हैं, डरते हैं जी, कि ये आते इसको खा जाएगा या मार देगा या बुरा कर देगा, हमारे साथ कुछ उल्टा छोड़ देगा। ठीक है ठीक तो है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप पहले थोड़ा इसके थोड़ा विस्तार से बताएं, ठीक है, तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, ये चीज क्या है जी जी और क्या सभी तांत्रिक खराब होते हैं, नहीं नहीं थोड़ा विस्तार से। ये जो आपने पहले बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि आज के ज़माने में जो दौर चल रहा है जी, तो देखिए ऐसा दौर है कि एक सनातन जो है बहुत तेज़ी से सनातन का प्रचार करने वाले लोग उसको अपना रहे हैं, क्योंकि देखिए जहाँ तक सनातन की बात है, सनातन कभी कमज़ोर नहीं रहा, पहले भी नहीं रहा, अभी भी नहीं, क्योंकि बहुत पुराना है ये, बहुत पहले से राम श्री राम जी आए, जन्म लिया, उसके पहले भी सनातन था और बहुत समय से चल रहा है ये सनातन। तो सनातन को तोड़ने के लिए लोग काफ़ी समय से लगे हुए थे, जो विधर्मी हैं। देखिए तंत्र मंत्र और आध्यात्म तीन चीज़ें हैं। तंत्र क्या है? एक परमात्मा की वो तंत्र आराधना है जो सरल ढंग से की जाती है। मंत्र जो है, मंत्र के समय, मंत्र में टाइम लगता है, उसको सिद्ध करने में काफी समय लग सकता है, जैसे कि मतलब 1,25,000 जपना है आपको इस समय में, उस समय तो कई कई युग बीत जाते थे, अब 27 साल मान लो उसे प्रार्थना करने में लगी, तो इस समय कलयुग बहुत अच्छा है, कलयुग में बहुत जल्दी आप जो है साधना कर सकते हैं, बहुत जल्दी मतलब 1.25 महीने में ही आप इसमें प्रखर अच्छी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं मंत्र से। तंत्र तो कुछ क्रियाएं हैं, तंत्र मीन्स जैसे कोई चीज बनाना, मीन्स जैसे आप चादर की खोल बनाते हैं उसको सिलना, वो मिस्त्री जो जानता है वो एक तांत्रिक हो गया एक प्रकार से। तंत्र मंत्र, मंत्र आपको बता दिया कि मंत्रों के अधीन सारे देवी देवता हैं, सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए, नियमों का पालन किया जाए, तो वो बहुत जल्दी फल देता है। और तंत्र मंत्र उसमें दो प्रकार के, एक सावरी मंत्र है और एक वैदिक मंत्र है। जो सावरी है वो कुछ दिनों के होते हैं और जो वैदिक हैं वो 1,25,000 होते हैं, उनका 41 दिन तक प्रभाव करना पड़ता है, इस तरह से है। तो सिद्धियां करने के, जैसे कि जिस जीव को तंत्र मंत्र यंत्र, यंत्र तो आप जानते हैं, यंत्र मीन्स जिससे कार्य किया जाता है उसको यंत्र कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य करना है, जैसे मान लीजिए श्रुआ होता है, हम लोग हम उनमें यूज करते हैं, उससे घी डालते हैं, तो उसको यंत्र कहते हैं जी। ये तीनों प्रकार की चीजें हैं। तो तांत्रिक जो कुछ लोग ऐसे हैं कि दो प्रकार के तांत्रिक होते हैं, एक तो अच्छा मतलब सात्विक प्रकृति का और एक तामसी प्रकृति का। तामसी प्रकृति का जो है उसमें बलि देने का विधान पहले था, अब आजकल तो सब में रोक लग गई है जी। तो लेकिन लोग छिपके लोग करते हैं, छिपके लोग करते हैं, तो उसमें टोना टोटका वाले जो तांत्रिक हैं, ब्लैक मैजिक, हाँ वो जो समस्या ये है कि जो सनातनी हिंदू है, देखिए मैं थोड़ा सा इस विषय में बताऊंगा, तो सनातन से ही सब चीजें उत्पन्न है, जितने भी शाखाएं पेड़ आपको बताई दिया कि सनातन पिता है, जनक है सबका। लेकिन उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिमाग की सोच है, जो विख्यात होने के लिए कोई तो अच्छा करके ज्यादा विख्यात हो जाता है, कोई बुरा, और कोई बुरा करके विख्यात हो जाता है, तो जो बुरा करने वाले हैं उनका जो मंत्र तंत्र है वो उसी समय क्षण नष्ट हो जाता है। जैसे आपने एक प्रभाव कर दिया कि कोई शमशानी क्रिया आपने कर दी किसी जीव में, तो वो क्रिया नष्ट हो जाती है, फिर दोबारा आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, इस तरह से क्रिया है। तो तंत्र मंत्र तो मतलब ये मान लिया जाए कि जो बुरा करने वाले तांत्रिक होते हैं, हाँ, वो लगातार उनको अपनी सिद्धियां, हाँ वो करते रहते, करते, करते वो शमशान में, चौराहे में और अलग अलग चीजों में जा करके बार बार अपना करते हैं। शमशान में देखो भोग देना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि काली का स्थान है जी। वहां भी शमशानी सभी जीव भोग डाल सकते हैं, कोई भी जीव जा करके वहां रख सकता है, वह कोई डर भय नहीं होता। क्योंकि आजकल के देखिए एक बात नई बता दूं मैं कि जो प्रेत है वो शमशान में नहीं रहते, क्योंकि प्रेत भी आजकल शमशान में जाते ही नहीं, शमशान तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि मंदिर है वहां पे भी,
मंदिर से मतलब नहीं है, जीव घर से बाहर जाएगा तभी तो, घर से इतना माया मोह में फंसा हुआ जीव, प्रेत जो माया के चक्कर में खत्म होता है, उसकी ममता फंसी रह जाती है बच्चों में जीव में, तो वो वहीं का वहीं भटकता रह जाता है, जैसे अल्पकाल वाले वो वहां तक नहीं पहुंचते। तो जब शरीर का दाह हो जाता है, दाग हो जाता है, सबसे पहली बात है कि क्रियाएं का लोप है, क्रियाएं पूर्णता सत्य नहीं होती। जैसे कि मतलब पहले होता था 10 दिन के पहले कोई तिरही का काम 12 दिन के बाद ही होता था, आजकल लोग 4 दिन में 5 दिन में 3 दिन में कर देते हैं, तो वो जीव पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। जब पुनर्निर्माण नहीं होगा तो जीव मुक्ति नहीं होगी भाई। जब कर्म, मान लो कि आप लड़के को पढ़ाने जाते हो, तो जब तक पूरी क्रिया नहीं होगी, उसके साल भर नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा पास कैसे हो जाएगा। तो जब साल भर वो 10 दिन की क्रिया लोप हो गया, 5 दिन में 3 दिन में 2 दिन में कर दिया, तो वो जीव के कर्म तो पूरे हुए नहीं, उन कर्मों का लेखा जोखा हुआ नहीं उसका, तो उसका निर्माण हुआ नहीं। तो पुनः जब तक वो जीव को वहां जाना है, जब तक मुक्ति मिलनी है और उसको दूसरे पिंजरे में जाना है, उसके पहले ही आपने उसको 2 दिन 4 दिन के पहले उसका जो देना था दे दिया, उसके बाद खत्म कर दिया आपने जी। क्रिया पूरी ना होने के बाद वो क्रिया होगी। तो इस तरह से बस दोस्त, तो 2 शब्दों में मैं ये कहूंगा कि तन तांत्रिक बुरे नहीं होते, उनके कर्म बुरे होते हैं। टोना टोटका किसी दूसरे के साथ कभी करना नहीं चाहिए, और टोना टोटका तांत्रिक लोग नहीं करते, बड़े तांत्रिक कभी अपना किसी का बुरा नहीं करते, ये ढोंगी हैं। जो विधर्मी लोग हैं, जो छोटी मोटी जैसे एक मोहिनी में फंसा देना, लड़कियों को फंसा फंसा कर उनको मोहिनी खिला देना, ये कुछ ऐसी चीजें दे देना कि या डाल देना शमशान की राख, चिता की राख ऐसी कर देना, ये क्षणिक होती है कुछ समय के लिए, और उनको मानसिक टेंशन भी देते हैं, तभी कुछ लोग बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और इनका ये है। अच्छा, भगवान शंकर जिन्होंने इसका सबका निर्माण किया है, कीलक हैं, तो सबसे अगर किसी का कोई टोना टुटका हुआ है तो शिव के उपाय करने से हर प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी का देखो बजरंग बाण पढ़ना चाहिए घर के अंदर, उसको व्यक्ति पढ़ सकता है अपने उपाय के अनुसार से, दवा बनाने के जल रख लीजिए कटोरी में, उसको पढ़ के फूंक लगाइए और उसका घर में छिड़काव करिए, इससे गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो तीसरी बात जैसे मंत्रों के बता दिया मैंने कि इनसे आपका कर कल्याण होगा, बजरंग बाण हनुमान चालीसा ये सब चीजें बहुत लाभकारी हैं, इनके करने से आपको शिव का स्नान कराया हुआ जल कटोरी में नीचे रख के अपने घर में छींटा लगाने से दोष नष्ट होता है जी। गुरु जी आप कभी काशी गए हो? मौका मिला आपको काशी जाने का? हाँ गए हैं, लेकिन हम अनुष्ठान के माध्यम से भी गए, अनुष्ठान के माध्यम से। हाँ। तो वहाँ पे इतने सारे देखे हैं मैंने वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में, कि वहाँ पे मुर्दे फूकते रहते हैं। जी जी हाँ, माधोड़ा। अच्छा। माधवम धुंडिम दंड पांच भय। हाँ, वो वहाँ पे इतने सारे मुर्दे फूकते रहते हैं 24, मेरे ख्याल से रात को भी, रात को भी दिन रात 24 घंटे वो बंद नहीं होता, वो बंद नहीं होता ना। तो वहाँ का आप जब आप उस एरिया में गए, वहाँ की आपको ऊर्जा कैसी महसूस हुई? अघोर ऊर्जा है। देखिए वहाँ के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसा स्थान है कि जहाँ पे चिता बुझती नहीं कभी जी, वहाँ परमानेंट चिताएं जलती रहती हैं। वहाँ पे अघोरी लोग, देखिए तांत्रिक और अघोरी में अंतर है, अघोरी जो है शमशान में ही रहता है, शमशान से बाहर निकलता नहीं। दूसरी बात, वो छोटे मोटे वो व्यापार नहीं करता, जैसे कि झाड़ा लगाना ये सब करना वो उसके बस करना, वो तो सिर्फ आराधना में लुप्त रहता है। देखिए चाहे जिस प्रकार से की जाए, सब हर प्रकार से आराधना ही है जी। अघोरियों की आराधना अलग है, क्योंकि वो अखाड़ों के होते हैं और उनके अखाड़े निमित्त होते हैं, संप्रदाय होते हैं उनके, अलग अलग संप्रदाय से होते हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय सारा एक हो जाता है जी। नाथ संप्रदाय शिव के अनुयायी होते हैं जी। तो उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सात्विक, एक तामसिक। तामसिक जो कुछ भी खा लेते हैं, और सात्विक जो है जो कि फल फ्रूट इत्यादि ऐसी चीजें खा लेते हैं। तो एक बार की बात है, मैं काशी गया, और काशी जो है वहाँ का सबसे ज्यादा विख्यात जो है वो धाम है, माधव नाम है उसका जी। शमशान पे हम लोग जब जाते हैं तो परमात्मा शिव का वहाँ अखंड वास है हमेशा, वो जो वहाँ पे विराजमान है, तो परमात्मा सदैव विराजमान है वहाँ पर, क्योंकि शमशानी शिव अघोर तंत्र को जानने वाले, बनाने वाले, निर्माणक हैं वो प्रभु वहाँ जी। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जब हम गए तो हमने एक अजीब दास्तां देखी वहाँ पर, समझो कि एक बार हमारे भी हृदय में कंपन हो गया। अच्छा। आपसे सच्चाई बताएं। हाँ, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है भाई, वैसे तो हम दिन में
खूब ताकत बना लेंगे कि भाई हम मुर्दा के साथ खेल लेते हैं, उसकी भस्म के साथ होली खेलने वाला विधान जो है बहुत भयानक है, और वो भगवान शिव की ही कृपा है कि वो उस मुर्दे की होली खेलते हैं, मुर्दे की राख से, चिता की भस्म से। अच्छा, आप समझो यहाँ टच करने में भी मन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर करते हैं। तो हम लोग जब गए तो हम लोगों ने देखा, थोड़ा सिद्धि के माध्यम से गए हुए थे तो मन में कौतूहल था कि करें कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भय ऐसा बना देते हैं लोग कि नहीं वो ऐसा मत करना, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जान से बहुत पहले हमने सुना था कि अगर कोई भी इंसान कोई सिद्धि करता तो पागल हो जाता है, हमने बहुत पागलों को देखा है, वो लोग बोल देते थे कि ये जो पागल हुआ है ना इसी कारण से पागल हुआ है, तो फिर वो मन में भय उत्पन्न हो जाता है। और सनातन, अधिकतर सनातनी लोग, सबसे बड़ी बात है कि उनके हृदय में भय बहुत रहता है। भाई मैं आपको जी रोक के एक बात बता रहा हूँ कि मैं एक इसमें गया था जी, इसमें करम्बाला बालाजी जी 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 हाँ। तो वहाँ पे शाम के टाइम पहुंचे हम जी, और सुबह सुबह जैसे एक बार मंदिर में वैसे चलो देख के आते हैं किस साइड मंदिर है, फिर बाद में आके नहा धो के जाएंगे वहाँ जी। तो हमने देखा मंदिर के जो सामने ग्रिल लगी हुई है जी जी, वहाँ पे बहुत सारी आदमी और औरतें वो क्या कर रखा है, ग्रिल पकड़ के उसमें मार रहे उसमें मार रहे सिर। तो हमें किसी ने बताया कि इनकी तरफ देखना मत, ज्यादा देर तक देखना मत और हंसना मत बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा फिर प्रसाद चढ़ा के जब बाहर निकले उस मंदिर से जी, पीछे मुड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ शक्तियां ऐसी है यहाँ पे जो बाहर से लोग छोड़ के जाते हैं, साथ में लग जाएगी वो जी, प्रसाद भी नहीं हम ला सकते, नहीं ला सकते बिल्कुल जी। ये देखिए जो बालाजी धाम है ये हनुमान जी का स्थान है और बहुत प्रचलित स्थान है, हनुमान जी सरकार सबका उद्धार। एक हनुमान चालीसा की आपने चौपाई सुनी होगी कि तेहते भूत प्रेत सब कांपे, हाँ जी है ना। तो क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी सरकार की ऐसी कृपा है कि वो सबको जो है भय मुक्त करते हैं हनुमान जी का नाम लेने से। मुझे तो ये भी सुना है गुरुजी, सुना क्या है मैंने खुद महसूस किया है, जरा से भी डर लगे ना तो तुरंत आदमी के मुंह से हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर पीरा, उसमें चौपाई है जी। तो देखिए सबसे बड़ी बात, शिव में और हनुमान में कोई विशेष अंतर नहीं, शंकर स्वयं केशरी नंदन, वो तो अवतार लिया परमात्मा ने कलियुग का, क्योंकि शिव जो है, शिव जी ने आपसे बताया जहर पी लिया था, संसार जो है जहर देता है, अच्छे सिद्ध पुरुष को पालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी क्रियाओं को लोग कुछ दिन बाद देख देख के ना अगर नजदीक रह जाए तो उसको ढोंगी मान लेते हैं लोग। कोई भी इंसान है दिन रात पूजन में लगा रहेगा, अपने नियमों का पालन करेगा तो थोड़ा सा मन में हो जाता है। इसलिए हमें शंकर जी भगवान का जो प्रकरण है हनुमान जी वाला, ये भी ऐसा है कि बालाजी सरकार में आप जब जाते हैं तो वहाँ प्रेतराज सरकार है, उनका चबूतरा बना हुआ है, तो वो प्रेतराज सरकार जो है बंधन मुक्ति काट देते हैं। प्रेतराज सरकार एक प्रकार से हनुमान जी के दास हैं जी, हनुमान जी के मतलब जैसे कि कहने चाहिए कि उनके सेवक है, सेवक सेवा है प्रभु की। हनुमान जी सरकार उन्हें आदेश देते हैं और आदेश देने के अनुसार वो उनको कैच कर लेते हैं, ऐसी नेगेटिव ऊर्जा को प्लस ऊर्जा, देखिए दोनों मिलके जब लाइट जलती है करंट आता है तो प्लस और माइनस दोनों। तो हमने तो मैंने ये कई बार ये भी सुना है कि किसी के अगर घर में इस तरीके की कोई चीज है, नेगेटिव एनर्जी है जी, तो उसके घर में अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चल रही है जी जी, तो किसी ने अगर उनको सजेशन दिया कि भाई आप वहां पे चले जाओ मेहंदीपुर बालाजी जी जी, तो वो शक्ति पूरी कोशिश लगाती है कि हाँ जाने नहीं देती, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वो नहीं जाने देगी, जाने ही नहीं देगी, क्यों वो माइनस ऊर्जा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मन में जो भय है वही माइनस ऊर्जा है, और भगवान शंकर हमेशा हमारे हृदय में विराजमान होकर के सच्चाई का कर्म करने को हमें प्रेरित किया करते हैं, प्रातःकालीन बेला में जगाते हैं। लेकिन बस वही बात है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हर जगह है। तो आपने देखा कि ये जो प्रेत हैं, प्रेत है कौन? देखिए लोग कहते हैं कि भूत किसे कहते हैं, जो कल था आज नहीं है उसे भूत कहते हैं जी। तो भूत होते हैं ये ऐसा तो है ही नहीं है कि नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, सच सच अगर भगवान है तो आत्मा भी है, अगर हम जिंदा हैं तो हमारे हृदय में जो बैठी है वो आत्मा ही तो है। अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा दो प्रकार के होती हैं, दुर्जन सज्जन दो पुरुष होते हैं। तो उसी प्रकार से जो अच्छी आत्माएँ हैं वो सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सिद्ध पुरुषों के नाम हैं, जैसे राम वीर पीर, ये सब वीर
वीर हैं ये, और 52 वीर हमारे तंत्र विद्या के अंदर होते हैं, काली के पुत्रों में माने जाते हैं, काल भैरव से लेकर के जाहर वीर और घंटाकरण वीर, चंद्रष्ट वीर, ऐसे 52 वीर होते हैं। तो और जैसे योगिनियों में 26 योगिनियाँ होती हैं। अब मैं आपको एक किस्सा वो बताता हूँ जो हमारे जीवन में जी पहली बार घटित हुआ और हम जो है इस क्रिया से जुड़े। सबसे पहली बात यह है कि हम, मैं एक ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, तो हम कथा भागवत पुराण हमारे जो सातवीं पीढ़ी कर रही है, हम ये कर्मकांड के कीड़ा कहे जाते हैं, क्योंकि हमारा हमारे जो गुरुदेव हैं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के हम शिष्य हैं, तो हमारे गुरुदेव हैं श्री युवराज स्वामी चित्रकूट वाले प्रपन्नाचार्य जी महाराज, मैं उनका शिष्य हूँ। तो हमारे उसमें हम चाणक्य विभाग से हैं, मतलब राजगुरुओं में हैं हम लोग, तो हम लोग जो है तंत्र मंत्र हमें करना उचित नहीं, हमें मतलब आदेश नहीं, लेकिन फिर भी मैं इससे जुड़ा कैसे? देखिए, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो, प्रभु श्री राम के साथ हुई, हमारे साथ हुई, जो भी चीज़ें हैं, जो ज्ञान जितना हो सके, सिर्फ मैं एक बात कहूँगा इन तांत्रिकों से या भक्तों से और या फिर मतलब इनको, अच्छा यही सवाल था मेरे, इनको पहचाने कैसे और मतलब सही आदमी कौन है? हाँ, इसके लिए पहचान है कि सबसे पहली पहचान तो ये है कि व्यक्ति जो भी करता है कर्म, जो ये आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए, जहाँ परमात्मा है वहाँ उसकी दासी है लक्ष्मी, धन। तो पहचान कैसे हो सकती है? कि देखिए, पहचान तो एक तो मैंने पहले भी बताया कि आजकल किसी भी व्यक्ति को पहचानना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो सही होगा वो उतना सज धज के नहीं रहेगा, जो ओरिजिनल होगा वो उतना दिखावा नहीं करेगा, और जो ओरिजिनल नहीं है वो दिखावा ज़्यादा करेगा। आप समझो, दिखावा कैसे, वो बातें ज़्यादा करेगा, काम कम करेगा, और एक तो होता है कि वो काम ज़्यादा करता है और बातें कम करता है, टाइम खींचता है, हाँ, कि इतने दिन मैंने देखा है कि लोगों को 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी वो उसी स्थिति में रहते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जब अपने जीवन में इस कर्म को सीखे कैसे, क्यों सीखे? हमने परहित के लिए सीखा, क्यों सीखा? मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ हरियाणा में आके मेरा परमात्मा की कृपा से, मेरा क्या है नहीं, हनुमान जी की कृपा से जो भी है करते हैं, हनुमान जी सरकार नाम मेरा होता है तो करते हैं वो, और आज तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी कि जिसको हमने हाथ रख दिया तो उसका प्लस में ना आया, मतलब माइनस वाला, अगर बिल्कुल माइनस में है तो कहीं ना कहीं प्लस में आ जाता है, कर्जा है, ये दुनिया सब हो जाता है, करने वाला होना चाहिए। लिए देखिए, परहित सरिस धर्म निभाहित, सिर्फ धर्म, अगर परिभाषा है धर्म की तो सिर्फ एक ही है कि दूसरे का हित करो, और मान लो आपके पास शक्ति हो गई, आप उससे कमाई करके अपने बिल्डिंग मकान बनाओ, तो ये कोई परहित नहीं है। हमेशा ध्यान दो कि मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 11,000-21,000 हवन हवन के मात्र ले लेते हैं, इसके बावजूद अगले बंदे को मन की संतुष्टि हो जाती है, चलो हाँ इतने पैसे ले लिए हैं भाई, ठीक हो जाएगा, कुछ तो होगा, तभी तो इतने ज्यादा पैसा ले रहा है। वो इस पे वो लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि जी जितनी ज्यादा महंगी चीज है उतनी बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं होता जी। होता ऐसा है कि जो जानकार होगा वो सोचेगा यार मैं इससे कम से कम पैसे लूं, क्यों? एक तो ये पहले ही दुखी है, दूसरा मेरे पास आके अगर मैंने इसलिए लूट लिया तो इसकी आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी तो देख रहे हैं, क्यों? अखंड मंडलाकार व्याप्त में चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरु बिना, वो गुरु यानी कि जो गुरु के रूप में है परमात्मा, तो व्याप्त है पूरे संसार में, जगत पिता देखते हैं कि ये जीव क्या कर्म कर रहा है भाई। अगर 10-20 ले रहे हो तो ठीक है, अगर तुम 10-20 हजार ले रहे हो तो भाई तुम्हारा तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो, वहां से नहीं सिद्ध ठीक होने की संभावना। चलो वो तो कुछ अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कि जो लोग ज्यादा पैसे उतार रहे हैं, आप वहां पे आइए जब आप इस दुनिया में आए। दुनिया में अब देखिए, तो सबसे पहले जो तंत्र विद्या की जाती है तो पैरों की मिट्टी उठाई जाती है जी। दूसरा आपका काम बांधना है तो आपके फैक्ट्री के धूल उठा लेंगे, या आपके फैक्ट्री के सामने कुछ नींबू मांस का टुकड़ा या कुछ चीजें पढ़ के डाल देंगे, आपके दरवाजे में धागा बंधवा देंगे। ऐसे कर्म करने के बाद आपका काम रुक जाता है। उसके लिए उपाय होते हैं, तंत्र विद्या बहुत जरूरी, इसीलिए कि तंत्र का काठ जरूरी है। अगर आप कभी भी सीखो तो तंत्र करना ना सीखो, तंत्र को काठ करना सीखो। हमने काठ सीखा है जी। अभी आप गुरु जी वो बता देते कि आप इस तंत्र विद्या का आपने ज्ञान क्यों लिया? हाँ, सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैं
ऐसे खानदान का मतलब बालक हूँ जिस खानदान में हमेशा पंडिताएं हुई है, मतलब अच्छे घर से, पूज्य घर से हूँ मैं तो। और मेरे जो है आज मेरे पिता के, मेरे दादाओं के जो है कई गांव, करीब 1000-2000 गांव हमारे पितरों के, पिताओं के शिष्यों में से हैं जी, कई गांव हैं हमारे जी। तो हमने, मेरे पिताजी एग्री नहीं थे, हमने इसलिए सीखा क्योंकि हम भागवत करते थे, कथा करते थे। नहीं, आपके साथ वो जो भूतिया घटना हुई थी ना। हाँ, भूतिया घटना भी बता रहा हूँ मैं। तो उस घर में हम काम कर रहे हैं, उसी घर में शाम को ओझा आते थे झाड़ा लगाने। अच्छा जी, समस्या तो ये है ना कि हम भागवत कथा में आज 1-1.5-2 लाख रुपए खर्चा होता है, उसको खर्च करने के बाद, और भागवत विषय में कहा गया है कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को नष्ट कर देती है। अच्छा, उसके बावजूद भी ओझा जो है शाम को आता है, वो 10-20 हजार रुपए उससे जबरदस्ती लेके जाता है, वो कहता नहीं इतने लगे। तो समस्या हमारा प्रवेश इसीलिए हुआ, हमने इसीलिए तांत्रिक विद्या सीखी। मैंने सबसे पहले जो तांत्रिक विद्या सीखी थी तो देवयानी और रावण का जहां युद्ध हुआ था उस देव पर्वत पे सीखा था। वो पन्ना क्षेत्र में है, नरेनी के आगे, हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर अजयगढ़ के लिए पन्ना जिला है, जहां पे आज भी जुगल किशोर की जय बोली जाती है। वहां पे खोदने के बाद पन्ना मिलते हैं। अच्छा, पन्ना जी, वो जो रत्न होता है। हाँ, हीरा, हीरा मिलता है। पन्ना, हाँ, पन्ना गांव का नाम है। अच्छा, क्षेत्र का नाम है पन्ना, जहाँ अजयगढ़ वहां से पड़ता है, जहाँ नरेनी मतलब से। कोई ये पन्ना जो कोई धातु नहीं है क्या? धातु हीरा है, धातु हीरा पन्ना है। भी है हीरा, वो हरे रंग का होता है। अच्छा, वो पन्ना होता है, उसको बुध का नग माना जाता है। लेकिन जो हीरा है तो हीरा मिलता है वहां। अभी पीछे आपने देखा था एक मजदूर को 1.5-2 करोड़ का हीरा मिला था जी। खोदने के बाद पहाड़ में मिलते हैं, जुगल किशोर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। जब उस समय रास रचा रहे थे तो कुछ मुकुट से गिर जाने के कारण वो स्थिति उनकी बन गई थी, पूरा छोड़ दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बन जाने के कारण ये स्थिति होती है। तो वहां पर मैंने जाकर के सबसे पहले मैं उस देव पर्वत में जो शिव जी का मंदिर था उसमें मैं गया। वहां बहुत बड़ी बड़ी मक्खियां लगी, मधुमक्खियां, उसके नीचे का पानी उसी में गंगा जमुना सरस्वती सब बनी हुई है। उसमें जो बहुत पुराना बुंदेरा वीरों का जो है बना हुआ है, सिद्ध बाबा का स्थान है, उस स्थान पे मैं रात में रुकता था। वहां पर रात की जो प्रक्रिया है, कोई इंसान रात को रुक नहीं सकता। अच्छा, वहां पर अंदर देव पर्वत पूरा लोटे जैसा बना हुआ है, उसमें बहुत पहले की माया है, लोग माया खोदने आते हैं, उसको पूरा खोल डाला है, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं। सिद्धनाथ जो सिद्ध बाबा है उनकी कुटी से एक मार्ग जाता है अंदर किले में जी। और वहां बहुत धन पड़ा हुआ है, लेकिन उस धन को आज तक कोई नहीं पाया। सरकार ने खोज भी करी है, शायद सरकार को मिल जाए। तो वहां पर रात को 12 बजे के बाद नाग नागिनियों का झुंड आता है और वो नृत्य करता है। प्रेत प्रेतिनियां वहां पर बाहर दूर, अगर आप बाहर कहीं चले गए, वहां बैठ गए अगर रात में गर्मी के कारण, तो वैसे तो ठंडक बहुत है वहां पे, तो आप देखोगे कि वहां पे किलकियां बजती रहती है। अच्छा, आवाज आते हैं। हाँ, आवाज आती है। देव पर्वत, हर पत्थर पत्थर में भगवान का वास है वहां पे। अच्छा, वहां पर मैंने बजरंग बाण इत्यादि के पाठ और कुछ तंत्र विद्याएं सिद्धनाथ से जो है सीखी और उसको मैंने सिद्ध भी किया। और वहां से मैंने 1.25 क्विंटल दूध का, नन्हे राजा जो है, राजा रजवाड़े से हैं, उनके साथ बैठ करके मैंने जो है शिव का अभिषेक करवाया, भगवान शंकर का। सो पीला पड़ गया था वो शिवलिंग और वो काला पड़ गया। काला पड़ने के बाद मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई, परमात्मा की कृपा हुई मुझ पे, और मुझे, मैं तंत्र विद्या में समर्थ हासिल हुआ। और वहीं से मैं आज भी जो क्रिया करता हूँ परमात्मा का कल्याण हो जाता है जी। तो इस तरह से मुझे इसमें प्रवेश करना पड़ा, अपने शिष्यों के कल्याण के लिए मुझे इसमें आना पड़ा। हाँ, तो वो कहानी बताइए जिसमें कि आप किसी के घर में जाके, हाँ, किसी के कुछ प्रॉब्लम थी और आपने वो ठीक करी, वो आप कहानी बता रहे थे। हाँ, मैंने सबसे बड़ी बात तो कई घरों में किया है, जैसे कुछ गांव में ऐसा है, गांव का नाम तो बता नहीं सकते, तो उसमें क्या है कि ऐसा होता था कि जैसे बहुत मौतें हुई उस घर में। मौत होने का कारण देखो दो होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सर्प का अचानक किसी जीव को काट लेना प्रेतिक है। देखिए, जो जीव है, प्रेत है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। अच्छा जी, वो कभी सर्प बन जाता है, कभी सिंह बन जाता है, और कभी भैंस बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, और भेड़ बन जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें उसकी उसकी उसको कई सालों बाद मिलती होगी ना, पहले तो वो भी खुद भटकता है।
वो भटकता रहता है, उसकी आत्मा तृप्त ही मतलब मरते ही तो एकदम से उसके पास इतनी चीजें नहीं आ जाती होगी ना, इतनी नहीं, शक्ति नहीं, उसमें क्रियाएं ऐसे होती हैं कि जो तांत्रिक लोग होते हैं जो ये झाड़ा फूंका करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जैसे काल भैरव महाराज के नाम से या माता काली के नाम से ये जीवों की हत्या करते हैं। अच्छा, वो जीवों की जब हत्या करोगे तो वो जो जीव मरेगा वो आपसे बदला लेने के लिए आपके साथ ही तो रहेगा, उसका जो प्रतिबिंब है मतलब उसकी जो आत्मा वो कहाँ जाएगी? जानवरों की भी आत्मा होती है, सबकी आत्मा होती है, आत्मा किसमें नहीं है, अखंड मंडलाकार के अंतर्गत गधे में भी वही आत्मा है जो हम में भगवान सियाराम है ना, हर जगह वही आत्मा है। तो वो आत्मा जैसे कुत्ते की भी आत्मा होती है, एक शेर की भी आत्मा होती है, हर चीज की आत्मा होती है भाई, बिन आत्मा के कोई भी पिंजरा नहीं बनता, पिंजरा का मीन्स जो है शरीर नहीं बनता, तो शरीर के ईश्वरन से जीव अविनाशी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य तन जो मिलता है वो जानकार होता है, वो ज्ञानी होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा जी। मतलब जितने भी 84 लाख 84 जितनी भी योनियां हैं सबके बाद है ये मनुष्य तन मिलता है, और हर योनि में अपने किए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, अच्छा या बुरा। तो मैंने ये देखा कि जो वहां पर जो नाग था वो नाग बार बार आदमियों को काट लेता था, नाग बन जाए, बिच्छी बन जाए, कहीं अलग अलग रूप में बन जाए, तो उसको हमने जब हमारे पास वो लोग आए बोले ऐसी ऐसी बात है, हम बहुत ब्राह्मणों से मिले और उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, हमने आज तक हमारी कोई सिद्धि नहीं हुई, ठीक नहीं हुआ हमारा, तो फिर हम गए तो हमने एक अनुष्ठान किया जिसे महामृत्युंजय कहते हैं, महामृत्युंजय के माध्यम से, और हमने अघोर दरबार लगाया, अघोर दरबार में माध्यम से वो जीव फंस जाता है। जब जीव फंस गया तो वैसे तो करीब 27 व्यक्तियों के साथ वो घटना थी, और जिस दिन हम उसका निवारण कर रहे थे उस दिन भी उसने एक लड़के के पैर में चोट मार दी और अचानक समझो वो पैर रख गया, बाद में लास्ट में वो किसी आदमी के सिर आ गया, सिर आने का मतलब होता है कहीं कुछ भय दिखाए, कहीं किसी को कुछ भय दिखाए, और 27 बंदे बैठे, 27 बंदों में वो खेल गया। खेलने का मतलब एक माइनस ऊर्जा होती है कि इंसान के शरीर को शून्य कर, पोजेस जिसको बोल सकते हैं जी हाँ, यानी कि मन दिमाग पे काबू, दिमाग पे काबू पड़ना, वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। उसने उन सभी 27 बंदों को, हम एक को पकड़े तो दूसरे को पकड़े, तिकड़े तीसरे में, चौथे में, ऐसे करते रहे, हम सबके ऊपर देखे, सबके ऊपर वो आया, और अंत में जो सबसे बुजुर्ग बंदा था उसके पास आकर के उसने अपना नाम बताया, बोले मैंने ये सब पूरी क्रिया उसने बताई पूरी बचपन से अब तक की, वो क्रिया बताने के बाद जो है हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमको भी अंदर से लगने लगा कि भाई इसमें है क्या आखिरकार, आखिर इतनी बड़ी कौन सी शक्ति है। तो काली माता का आराध्य था वो, और काली माता को पूजने के बाद जीव इतना बलि हो जाता है, क्योंकि काली माता का जो देखिए, काली माता जो शमशान में रहती है उसका ही है प्रेत, जिसको हम उसके सेवक लगा लो, सेवक हाँ गण, तो वो जो गण है प्रेत, प्रेत किसी को भी परेशान कर सकता है, इतनी क्षमता होती है। और देखिए आज विज्ञान ने भी इस बात को मान लिया है कि प्रेत होता है, ठीक है। तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है जी जी, ये इनका काम तो ये होता है साबित करना कि बहुत होता है, लेकिन लास्ट में ये इनको बोलना पड़ता है कि यहाँ कोई शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी या प्लस माइनस ऊर्जा उन्होंने बना दी है, उसका वो घोस्ट का नाम ले देते कुछ और, हाँ जो भी कहते हाँ ठीक है। देखिए कुल मिला के मैं ये कहता हूँ कि आज वो फिर क्या हुआ आगे आगे, उसका ही बता रहा हूँ कि उसमें ये सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हमें अंत में उसको जब पकड़ा तो उसने कहा कि भाई आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हमसे बोला उसने। मैंने कहा मैं भाई परेशान नहीं करना चाहता, मैं तो आपको ये चाहता हूँ कि ये जो बंदे आप इतने बंदे 25-30 बंदों को आप परेशान कर रहे हो, तो आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो, आपका इनका क्या लेना देना है। बोले नहीं नहीं मेरा तो ये है कि मैं इनको परेशान करूंगा, मैंने कभी 5-7 मौतें भी कही हुई, क्योंकि उसका कारण ये है कि मुझे मुक्ति नहीं प्राप्त हो रही, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि 3 तत्व हो जाते हैं प्रेत में, 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, छित जल पाव गगन समीर जी। तो उसमें जो पृथ्वी तत्व है वो नहीं रहता और अग्नि तत्व नहीं रहता, भोजन पकाने की पचाने की क्षमता नहीं रह जाती और भूख लगती है, हाँ भूख तो हर भाई आत्मा इसीलिए तो तड़पती रहती, इसलिए तो वो भ्रमित होता रहता है, घूमता रहता है। इसलिए तो मैंने कई बार फिल्मों में भी देखा है गुरु जी के, उसमें दिखाते हैं कि वो जैसे ही किसी के शरीर में प्रवेश किया उसने, हाँ हाँ, तो वो क्या करेगा, खाने पे टूट पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, इतना खा जाएगा, ये प्रमाण है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आज भी हमने देखा है कि जो प्रेत अवस्था में प्रेत है तो उसको भूख लगती है, लोग 12 बजे उठ के खाना खाते हैं, बोलते हैं गुरु जी हमें रात को 12 बजे उठ के भी भोजन करते हैं, तो सच्चाई है उसमें, क्योंकि उसकी आत्मा तृप्त नहीं है, उसका ही कारण है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका ही कारण है कि वो पूर्ण क्रिया नहीं होती, सनातन की जो पद्धति है वो नष्ट हो गई। आज का जो जीव है वो भ्रमित हो चुका है, क्योंकि वो किसी भी पे आस्था रखे तो रखे किस पे। आप ये समझो, पंडित हमारे पास आओगे, हम अपने धर्म को बताएंगे कि भाई ये करो पूजा पाठ बताएंगे। आप क्रिसमस के पास चले जाओ, क्रिश्चियन के पास चले जाओ, तो वो बताएंगे कि भाई ये जल ले जाओ, ये पियो, होली वाटर, हालेलुया, ये करो ये करो, वो अलग नियम, वो ये ज्यादा परेशानी संतानियों को ही आ रही है कि वो उनको उनको हालेलुया वाले भी समझ में आ रहे हैं, वो 5 किलो चावल देंगे, चल भाई इधर हालेलुया कर। पता क्या हमारा नियम ये है, देखिए अगर कन्वर्ट किया जा सकता है तो सिर्फ सनातन को ही कन्वर्ट किया जा सकता है। आप एक बात बताओ, क्योंकि हम दयालु प्रवृत्ति के दयालु, और सबसे बड़ी बात है कि क्षमा। अगर हमारे अंदर कोई कुछ कर रहा है, करने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सुखी हैं, ये भी हमारे अंदर हीनता है, बल्कि हम इसको कमी हाँ कमी है, लेकिन हम अपने आप को ये बड़प्पन समझते हैं कि पड़ोसी, अगर मान लो पड़ोसी पे कोई प्रहार कर रहा है तो हम उसको ये कहते हैं ठीक है पड़ोसी पे, हम पे तो नहीं, चल अंदर चल, हमारे माता पिता कहते हैं चल रहने तू मत बोलना। भाई आज अगर उस पे प्रहार हुआ तो कल हम पे भी तो हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा था कि जो लोग भ्रमित करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो कहते हैं जीवों को कि भाई आपका हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप हम ये हमारी तरफ आ जाओ, हमारे नियमों का पालन करो, आज के बाद मूर्ति पूजा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, हुई वह है जो राम रची राधा, होनी क्या है कि हमारे भाग्य में कर्म में जो लिखा है उतना ही मिलना है। क्या आप जिन्होंने धर्म बदल दिया है, मैंने एक सच्ची घटना पे बताऊं, दो शब्दों में बताऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं। एक हमारा हिंदू था, वो ईसाई धर्म को अपना लेता है, उसकी बीवी को जो है टीबी कैंसर था, टीबी था और धीरे धीरे वो कैंसर बन गया, कैंसर बन गया। उसने गया होगा, भाई देखिए सबके पास कोई दवा नहीं है, लेकिन जो सच्चा इंसान है उसको परखने की जरूरत है। सच्चा इंसान थोड़ा तेज होता है, कड़क होता है, नियमों का पालन करने को बताएगा आपको। समस्या है भाई, डॉक्टर भी अगर दवा खाओगे तो आपको तेल मिर्ची नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पहले बताएगा, पहले बताएगा। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर पाओगे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होनी। दूसरी बात देखिए, इलाज हर चीज का है, लेकिन शंका का इलाज नहीं है, मानसिक अशांति का इलाज नहीं है। हम सबसे बड़ी बात क्या करते हैं कि हमारे अंदर किसी भी दवा को अगर हम उसके उस पे आस्था बना के उसको करते हैं तो हमारा हर प्रकार से ठीक हो जाता है। अगर किसी भी दवा को हम बिन आस्था के खाते हैं या करते हैं उपचार, वो हमारे कदापि ठीक नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। वो तो ऐसी लॉजिक हो गया ना, हाँ। कि जैसे लोग कहते हैं कि मुझे फलाने डॉक्टर से आराम लग जाता है, उससे नहीं लगता, उससे नहीं लगता, वही दवा वो देगा, वही दवा वो देगा। तो ये तो विश्वास की बात, विश्वास की बात, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूप, श्रद्धा विश्वास के अनुसार पूरा संसार टंगा हुआ है, चल रहा है। तो हम ये बता रहे थे कि जो देखिए ये लोग हैं, ये लोग कहीं कुछ नहीं करते, हमें हमारे दिमाग को पढ़ते हैं, हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, खेलते हैं, और सिर्फ हमें बहकाते हैं, बहकाते हैं। देखिए जो सनातन है उसमें कड़े नियम है, आप जोत जलाना, सुबह प्रातः स्नान करना, शरीर में अगर स्नान किए बिना भोजन करोगे तो वैसे ही बीमार हो जाओगे, और ये नहीं बताते कि आपको स्नान करना है, ये नहाने का कोई नियम नहीं है उनके, नहाओ या ना नहाओ कोई मतलब नहीं है। देखिए नहा के भोजन करोगे आपके पेट के कभी बीमारी, जठराग्नि तेज होगी, आप अगर खाने के बाद नहाओगे तो जठराग्नि धीमी पड़ जाएगी, नियम है, विज्ञान बताता है। तो विज्ञान भी साक्ष्य देता है, क्योंकि विज्ञान भी सनातन से ही निकला हुआ एक अंश है, वेद से निकला हुआ। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो बीमारी है, मानसिक बीमारी होती है हमारे अंदर, जो बीमारी है देखिए रोग हैं हर चीज़ का, ताप है, ज्वर है, सब योग है, वेदों में हमारे वर्णन आता है। लेकिन हम क्या है सबसे बड़ी समस्या, कि जो भी ज्वर है वो सकल पदार्थ ही जगमाही कर्महीन पाव नहीं, सब जड़ी बूटियां हैं और उन जड़ी बूटियों से ही ये दवाइयां बनती हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ठीक होते हैं। लेकिन उसी में लोगों को हम सनातन जो है भोला बहुत है, भोला यानी कि विश्वास बहुत ज़्यादा करता है और जल्दी कर लेता है। आपने अगर कह दिया कि ये कफ ले जाओ पंडित जी और इसमें आप उल्टा सीधा जल डाल के रोज सुबह पीना, बहुत लोगों ने बता दिया कि भाई आप तांबे के लोटे में पानी पियो, उससे फायदा होता है, सनातन हमारा कहता है तांबा एक पात्र है, वो उससे सोना बनता है, उससे हमारे शरीर के लिए पात्र, बहुत लोगों ने बता दिया, लेकिन हमारे नियमों को उल्लंघन करवा दिया।
और नियम उल्लंघन हुआ तो उससे फिर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखो क्या क्या बीमारी आ गई, पहले तो ये बीमारी थी नहीं। अब से 50 साल पहले ज्यादा जी, जी जी मनोवैज्ञानिक यानी कि जैसे साइकेट्रिस्ट क्या वो यार इंग्लिश में शब्द भी याद नहीं आ रहा मुझे, साइकेट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक जो दिमाग का डॉक्टर होता है जो वो था ही नहीं, वो जॉब थी नहीं यहाँ पे इंडिया में क्योंकि लोग मानसिक परेशानी थी नहीं इतनी। पागल बनाया जा रहा है हमें आज के टाइम में, और आज के टाइम में देख लो आप हॉस्पिटल में आपको मिलेगा सबसे ज्यादा मानसिक मानसिक रोगी, सबसे ज्यादा मानसिक रोगी। जानते हो क्यों? एक तो चंदन लगाना रोगों ने बंद कर दिया, चंदन हमेशा लगाना चाहिए, ये जो है इससे ही टोना टोटका होता है, ये आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये जो हमारा ये ब्रह्म ये है मस्तक, इसमें अगर ये खाली रहा मस्तक तो यहीं से सब कुछ हो सकता है, आपके साथ सम्मोहन किया जा सकता है, आपको आपको आपके साथ टोना टोटका आंखों से किया जा सकता है। आप देखो कैसे आप किसी की छवि आपके हृदय में विराजमान हो। अच्छा, ये तिलक के बारे में मैंने कुछ सुना था कहीं पे, उसमें ये बताया गया था कि भाई जिस बंदे जिस आदमी की मनुष्य की कुंडली जागृत हो, हाँ कुंडली जागृत हो जी जी है कुंडलनी कुंडलिनी हाँ कुंडलिनी ये योग का सब्जेक्ट है। हाँ योग का सब्जेक्ट है, इसकी जागृत हो जी जी ठीक है। हाँ। वो तिलक लगाए क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी जो पावर है शक्तियां है जी जी वो बाहर ना निकले जी जी कह रहे ठीक है जी है। और कह रहे अगर आप तिलक लगा के घूम रहे हैं आपकी तो कुंडली जागृत नहीं है ठीक है, तो आप तो ऐसा कर रहे हो कि आपका पूरा घर खाली पड़ा हुआ है और आप उसमें ताला लगा के जा रहे। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए जो तिलक है, अब मैं आपको इसके विषय में बताऊं, ये देखिए भेद है। जैसे हमारे, अब मैं थोड़ा सा एक और मोड़ देता हूं, जैसे आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता, आपको पता है 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि में मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। देखो 12 सूर्य, 11 रुद्र जो भगवान शंकर के स्नान करवाते हैं हम रुद्र, वो 11 हैं, 11, 12, 23 ठीक है जी, 11, 12, 23 हो गए। 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, इस प्रकार से ये कितने हो गए? 33 हो गए। 33 कोटि माने उच्च कोटि के देवता। आप देख दो प्रधानमंत्री एक है भारत का, उसी तरह से आज भगवान हमारे एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी तरह से ये जो हमारे तिलक की बात आई, देखिए हमारे संस्कार हैं ये 16 संस्कार होते हैं सनातनी हिंदुओं के, उसमें से आज के युग में कुछ के ही हैं जो 16 हो पाते होंगे, नहीं तो 7-8 संस्कार होते जी। जातिकरण संस्कार नहीं होता, नामकरण संस्कार हो जाता है, अन्न प्राशन संस्कार नहीं होता, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, हर हिंदू का होना चाहिए यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का ही जनेऊ होना चाहिए, हर हर सनातनी का होना चाहिए, लेकिन उसका नियम नहीं निभा पाते ना। नियम भाई, बस बात वही आ गई ना कि नियम, नियम ही एक पूजा है। देखिए कश्यप ऋषि, आपको हम बता दें कि आप किसको मानते हो, कि जैसे कह दो कि कश्यप क्या चीज है, कश्यप हमारे लिए इतनी बड़ी चीज है कि आप सनातन की जड़ है कश्यप, आप ये बात ब्रह्मा के पुत्र थे, हाँ सनातन की जड़ है, आप उसको जो मैं कह रहा हूं उस बात को, उससे ही सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा ने ही इनको वरदान दिया भाई जाओ वहां से सृष्टि उत्पन्न। तो कर मिला के आज जो प्रक्रियाएं चल रही है, अब आपको मैं तिलक वाला उत्तर दे देता हूं कि तिलक लगाना क्यों जरूरी है। भाई आप देखते हो कि मैं किसी धर्म या मजहब के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि आज शिखा किसी के पास नहीं है, चोटी क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को बहकाया गया कि चोटी रखना बेकार है, मजाक उड़ा गया, उपहास किया गया। हाँ दूसरी बात, चोटी जन्म का बाल जिसके साथ होता है उसको ज्ञान बहुत होता है, बहुत दिमाग होता है, पहले के इंसानों से लोग उसे बड़े बुजुर्गों को अपने साथ ले जाते थे जबरदस्ती, क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान होता था। नंबर एक, ये शिखा का बाल, इसको चोटी कहते हैं, शिखा बोलते हैं, इसको जरूरी है। नंबर दो तिलक, ये ब्रह्मरंध्र है, हमने कहा ना यहाँ से आपको सम्मोहनीकरण किया किया जा सकता है, दबा करके अभी 2 मिनट के अंदर आपको चक्कर आने लगेगा, आपसे हम जो करवाना चाहेंगे वो करवा लेंगे। आप देखते हो आप ट्रेन पे जाओ करते हैं 2-4 मिनट, आप जो है सब कुछ उतार के उन्हें दे देते हो, है जी। सोना चांदी रुपया पैसा आपका सब ले गया, हिप्नोटाइज होने के बाद इंसान क्या हो जाता है, सम्मोहनीकरण कहते हैं उसको, वही इंग्लिश में वो, तो जब वो कर लेते हैं सब कुछ लेके चले जाते हैं और आराम से दे भी देते हो भाई, अगर मान लो वीडियो में देखो भी तो वो यही कहेगा मैंने चोरी नहीं की, इसने तो मुझे दिया है। बिल्कुल ये तो गुरु जी तिलक लगाना इसलिए जरूरी है, ठीक है।
अच्छा, अब सनातन के नियम, पूजा पाठ, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना क्यों जरूरी है? क्या भगवान, लोग कहते हैं इतनी दूर सूर्य कैसे मिल जाता है? काली, देखिए हमारा कोई भी देवी देवता किसी से कोई चीज नहीं मांगता, हमारे देवता ही हैं जो संसार में देने वाले हैं। देवता का अर्थ ही देने वाला होता है, देने वाला, और लेवता हम सब हैं जी, जितने भी मजहब हैं सब लेने वाले हैं और हम सब देने वाले हैं। इसलिए भाइयों मेरा एक निवेदन है कि अपने संस्कारों को बचाओ, सबसे बड़ी बात है जी। आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लास्ट तक बने हैं वीडियो में उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी शंका परेशानी है तो मैं गुरुजी का नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं या फिर इनके मंदिर में आके भी बात कर सकते हैं। वो एड्रेस आप इनसे जब बात करेंगे कॉन्टैक्ट में, वो आपको बता देंगे। मैं यहाँ पे नहीं दे सकता कुछ निजी कारणों की वजह से। हाँ बस ठीक, ठीक है जी। तो तब तक के लिए जय श्री राम, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई हस्ती के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।